ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और आप हमारा चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रास जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दीपावली महापर्व की 5 मान्यताएं। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है जो 5 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इस पर्व के हर दिन से जुड़ी कुछ विशेष मान्यताएं हैं जो इस महापर्व को बेहद खास बनाती है। तो चलिए हम बताते हैं पहले दिन से धनतेरस। धनतेरस यानी दीपावली से 2 दिन पहले से इस दीप पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस को धन, समृद्धि और खुशहाली से जुड़कर देखा जाता है। धनतेरस को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण और बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धन्वंतरी के नाम के अनुसार धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु, आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा होती है और उनके नाम के दिए जलाकर घर के आंगन और विभिन्न स्थानों पर सजाए जाते हैं। फिर है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी को रूप चौदस या नरक चौदस भी कहा जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय के पश्चात स्नान करता है उसके वर्ष भर के पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वह पाप का भागी बन नरक में जाता है। यही कारण है कि इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। वहीं इस दिन से एक और मान्यता जुड़ी है जिसके अनुसार इस दिन उपटन करने से रूप और सौंदर्य में वृद्धि होती है। फिर है दीपावली। दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन का दिन। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और उनसे धन समृद्धि के रूप में घर में वास करने का आग्रह किया जाता है। दीपावली को लेकर एक और मान्यता है जिसके अनुसार इस दिन भगवान रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्यावासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को रोशन कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन की जाती है। इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनकी पूजा कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गाँव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा चली आ रही है। फिर है भाई दूज। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस बहन भाई दूज का पूजन कर अपने भाई को तिलक कर उसे भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को जो मान्यता है यह है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया था। यह वचन लिया था कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी उसके भाई की उम्र लंबी होगी। तभी से भाई दूज पर यह परंपरा बन गई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।